प्रधानमंत्री संग्रहालय की सार्थकता को, इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। साथियों, देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे, ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सके। आने वाले 25 वर्ष आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। यहां प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई हैं। साथियों, सार्वजनिक जीवन में जो लोग उच्च पदों पर रहते हैं, जब हम उनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी एक तरह से इतिहास का अवलोकन करना ही होता है। उनके जीवन की घटनाएं, उनके सामने आई चुनौतियां, उनके फैसले बहुत कुछ सिखाते हैं। यानी एक तरह से उनका जीवन चल रहा होता है और साथ साथ इतिहास का निर्माण भी होता चलता है। इस जीवन को पढ़ना इतिहास के अध्ययन की तरह है। इस म्यूजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा। हमने कुछ साल पहले ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। ये उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।